नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूँ मोना। बीमारी ठीक करने के नाम पर जबरन ईसाई धर्म कराया जा रहा था कबूल। भागलपुर से धर्म परिवर्तन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। भोले भाले लोगों के घरों में जाकर बीमारी ठीक करने के नाम पर जबरन ईसाई धर्म कबूल करवाया जा रहा था। वहीं शब्द बाग दिखाकर कमरे में प्रार्थना करवाई जा रही थी और धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। वहीं ग्रामीणों को जब धर्म परिवर्तन की भनक लगी तो वहां पहुंचकर नजारे देख पाखंडी की जमकर दुनाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने उसे कड़ेती से पूछताछ की और मामले का खुलासा हो गया। वहीं मामला कहलगांव अनुमंडल के रसलपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार चौक की है। यहाँ के निवासी पप्पू यादव के मकान में धर्म परिवर्तन के लिए गायन बाजन और प्रार्थना कराया जा रहा था। वहीं स्थानीय लोगों ने ईसाई धर्म के मौकिम नामक शख्स को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उसके पास से बाइबिल की किताबें समेत कई तरह के सामान बरामद हुए, जबकि उसके साथ अनीता देवी नाम की एक महिला मौके से फरार हो गई। इधर पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। मंथली कट का लेता है इसका मोबाइल सर, लेडीज के पास है इसका मोबाइल जब्त कीजिए सर। नीचे मोबाइल पूछिए कहाँ है, नीचे है। हाँ, और कुछ करने के लिए नहीं आए। कितने लोगों को कब से यहाँ करा रहे हैं? क्या क्या ये प्रार्थना, किस टाइप का प्रार्थना है? यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं लोग, बीमार लोग आता है उसके लिए प्रार्थना दुआ करते हैं, ठीक ठाक होता है, बस यही और क्या है। कब से ये चल रहा है? ये 2017 से चल रहा था यहीं पर। हाँ, कितने लोग आपके यहाँ आते हैं प्रार्थना में? 4, 5, 6 लोग, 10 लोग ऐसे ही। किस किस धर्म के लोग शामिल है? मुस्लिम है, सॉरी हिंदू लोग थे, यही लोग के लिए ही। अच्छा, क्या क्या किस तरह का उनका समस्या था जो आप दूर कर रहे थे प्रार्थना? हम दूर नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह दूर करता है। मुस्लिम के नाम से प्रार्थना करते थे। हाँ, लोग ठीक ठाक हो जाता था। हाँ, क्या? हाँ, इधर इधर कब से ये क्या कर रहे थे? अभी जो लोग थे ये कहाँ कहाँ के लोग थे? सभी लोकल ही लोग थे, यही रसलपुर एकचारी के लोग सब थे। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोकिम नाम है। तो आप रसलपुर थाना अंतर्गत एकचारी ग्राम में मोहम्मद मोकिम द्वारा दूसरे समुदाय का प्रार्थना सभा आयोजित किया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और विरोध के उपरांत तत्काल वहां पर पुलिस पहुंची और उनको पूछताछ हेतु थाना पर लाई। और उसमें अभी किसी भी तरह का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का मामला प्रकाश में नहीं आया है। हम लोग जांच के उपरांत उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। हम भी बीमार थे ना, हम भी बीमार थे ना, यीशु मसीह के पास में गए तो प्रार्थना दुआ करते, हम भी ठीक हो गए थे, तब से हम भी यीशु मसीह को मानने लगे। क्या चीज, कैसे बीमार थे, किस मामले में? बीमार थे कि तबियत खराब बार बार होता था, ठीक रहते थे, यीशु मसीह के पास लोग प्रार्थना किया, हम भी ठीक हो गए तो यीशु मसीह के बारे में बता देते थे। सोशल मीडिया के माध्यम से और कई जानकारी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है कि भागलपुर में कई जगहों पर धर्म परिवर्तन जैसे मामलाएं देख रहे हैं। बंद कमरे में बाइबिल, बंद कमरे में प्रतीक चिन्ह, उसके माध्यम से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वैसे अति समाज, पिछड़े समाज के लोग, वैसे गरीब तबके, मजदूर तबके के लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप इस धर्म में जाएंगे तो आपको ये फायदे मिलेंगे, अलग अलग तरह का लाभ, प्रलोभन दिया जा रहा है या धर्मांतरण किया जा रहा है। यह साफ तौर पर अगर इसको अगर लोग कहीं कहेगा कि नहीं धर्मांतरण नहीं है तो यह कहीं से उचित नहीं होगा। तो जिला प्रशासन को ऐसी चीजों पर रोकथाम लगानी चाहिए, जिला प्रशासन को दबिश करना चाहिए कि ऐसे बंद कमरे में आखिर किस, साफ तौर पर यह संदेश है कि आप वहां पर ब्रेन वॉश कर रहे हैं, गरीब लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, धन का प्रलोभन दे रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट का प्रलोभन दे रहे हैं। यह साफ तौर पर धर्मांतरण है और धर्म परिवर्तन है, यह कानून की नजर में अपराध है।